नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका चिर परिचित दोस्त उपस्थित हूँ दोस्तों आप सभी की सेवा में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के दोस्तों, कुछ महत्वपूर्ण नुस्खों को लेकर के जो आपके लिए बेहद लाभकारी साबित होंगे दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 11 बादाम रात को पानी में भिगो दें। जी हाँ दोस्तों, 11 बादाम को पानी में भिगो दें, सुबह से छील कर ब्लेंडर में आधा गिलास गाय के दूध में एक चुटकी इलायची, केसर, अदरक भी डालकर चलाएं। यह नुस्खा वीर यानी कि शुक्राणुओं की संख्या बढ़ाने में बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होता है दोस्तों। इसके साथ साथ ये ऐसा इसलिए करने में सक्षम है कि इसमें वसा होती है दोस्तों, ये आपकी बॉडी में ताकत भर देता है और अगर आप स्वस्थ हैं तो आपके शुक्राणुओं की संख्या भी अच्छी रहेगी दोस्तों। सफ़ेद प्याज का रस 2 किलो निकालें, इसमें 1 किलो शहद मिलाकर धीमी आंच पर पकाएं। जब सिर्फ शहद ही बच जाए तो आंच से अलग कर लें। इसमें 500 ग्राम सफ़ेद मूसली का चूर्ण मिलाकर कांच या चीनी मिट्टी के बर्तन में भर लें। सुबह शाम 10 से 20 ग्राम की मात्रा में लेते रहने से शुक्राणुओं की संख्या में इजाफा होता है दोस्तों और नपुंसकता नष्ट होती है दोस्तों। गाजर का रस, जी हाँ दोस्तों, गाजर का रस 200 ग्राम नित्य पीने से शुक्राणुओं की अल्पता कम होती है दोस्तों। जी हाँ, शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है दोस्तों। आज दोस्तों हम उन्हीं खाद्य पदार्थों के बारे में बात कर रहे हैं जो जो हमारे शुक्राणुओं की संख्या को बढ़ाते हैं। शतावर और अश्वगंध के 5 ग्राम चूर्ण को 1 गिलास दूध के साथ पीना बेहद फायदेमंद है। कौंच के बीज, मिश्री, ताल मखाना तीनों बराबर मात्रा में लेकर चूर्ण बना लें। 3-3 ग्राम चूर्ण सुबह शाम दूध के साथ लेने से शुक्राणु अल्पता समाप्त होकर पुरुष तत्व बढ़ता है। गोखरू को दूध में उबालकर सुखाएं, यह प्रक्रिया 3 बार करें फिर सुखाएं। सूखे हुए गोखरू का चूर्ण बना लें, 5 ग्राम की मात्रा में उपयोग करने से मूत्र संस्थान के रोग, नपुंसकता और शुक्राणु अल्पता में आशातीत लाभ होता है। याद रहे, सुबह 4 बजे और अपराह्न में शरीर में शुक्राणुओं का स्तर उच्चतम स्तर पर रहता है दोस्तों, अतः गर्भ स्थापना के लिए ये समय महत्वपूर्ण होता है। मशरूम में प्रचुर जिंक होता है, प्रचुर मात्रा में जिंक होता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मशरूम में प्रचुर मात्रा में जिंक पाया जाता है। इसके सेवन से वीर्य में शुक्राणुओं की संख्या बढ़ती है। इसमें डोपामाइन होता है जो कामेच्छा जागृत करता है। भोजन में लहसुन और प्याज जरूर शामिल करें दोस्तों, ये आपके वीर्य को बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होता है। तो देखा दोस्तों आज आपने कि किन किन चीज़ों का सेवन करके हम अपने शुक्राणुओं की संख्या बढ़ा सकते हैं जिससे हमारा दाम्पत्य जीवन सुखमय बना रहेगा दोस्तों। अगली बार हम आप सभी से जुड़ेंगे कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों को लेकर के, कुछ और महत्वपूर्ण बातों को लेकर के। तब तक धन्यवाद।